Assalamu alaikum ji. Hello everyone. My name is Mohammad Harisami and I'm official representative at NC Solicitors. आज की हमारी वीडियो होगी यूके से रिलेटेड होगी और ये वीडियो स्पेशली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये कंप्लेन होती है कि जनवरी इनटेक में उनको ज्यादा वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो है स्पेशली जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि उनको अवेलेबल नहीं है। तो मैं इस यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिकली इसलिए आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसमें क्योंकि मास्टर्स में काफी ज्यादा वैरायटी है, काफी ज्यादा कोर्सेज हैं, काफी ज्यादा यानी कि आप फील्ड्स की तरफ से जो कोर्सेज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है तो उनको डिस्कस करना बहुत बहुत जरूरी है। और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी के ओवरऑल आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, स्कॉलरशिप है या नहीं है, क्या क्या ये ऑफर कर रही है, उस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो काइंडली वीडियो कंटिन्यू जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब द चैनल तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डेली रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है जी, सबसे पहले जो ये यूनिवर्सिटी का नाम है दैट इज शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी। शेफील्ड जो है बेसिकली एक सिटी है यूके का, ये फिफ्थ बिगेस्ट सिटी है यूके में, पांचवा बड़ा सिटी है यूके में। और इस वक्त करंटली जो अगर स्टूडेंट्स अगर आप वहां पे देखें जो कि वहां पे रह रहे हैं वो तो है ऑलमोस्ट 60,000 स्टूडेंट्स, 60,000 स्टूडेंट्स हैं जो शेफील्ड सिटी के अंदर रह रहे हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है इट इज एट द हार्ट ऑफ द सेंटर, मिडल में है बिल्कुल। और इसमें आपको रिक्रिएशनल पार्क्स, आपको लाइब्रेरीज, कैफेटेरियाज, मॉल्स, यू नेम इट, जो कुछ भी आप लोगों को एक स्टूडेंट को स्पेशली जो चाहिए, एसएससी अकोमोडेशन अगर आप लोगों को चाहिए, सब कुछ जो है वो यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल होगा इन द सिटी ऑफ शेफील्ड। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इनकी अवार्ड्स की या आप इनकी रैंकिंग्स की अगर आप बात करें उसमें अगर आप देखेंगे तो द संडे टाइम्स गुड यूनिवर्सिटी गाइड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर इनको फॉर टीचिंग क्वालिटी 2020 में इनको अवार्ड मिला है, जिसका मतलब ये है कि इनकी कंसिस्टेंट ये लोग रहे हैं इन हाई स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर्स। और इनको मेजर किया गया है वाया नेशनल स्टूडेंट सर्वे जिसको कहते हैं एनएसएस, उसके थ्रू उसको मेजर किया गया और उनको ये अवार्ड जो है 2020 में इनको मिला है। ठीक है जी, उसके अलावा इनको सिल्वर अवार्ड मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क, जिसका मतलब यह है कि ये लोग कंसिस्टेंट रहे हैं नेशनल जो उनकी एक यूके की क्वालिटी की एक रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की उसमें ये लोग कंसिस्टेंट रहे हैं, इस अवार्ड का बेसिकली मतलब यहां पे ये है। और इनको 5-star जो है क्यू स्टार रेटिंग मिली है। ठीक है, अचीव एंड टॉप मार्क्स इन कैटेगरीज ऑफ टीचिंग एम्प्लॉयबिलिटीज एंड फैसिलिटीज में। ठीक है जी, और इन्होंने अगर आप इनकी रैंकिंग वाइज भी अगर आप बात करेंगे तो 6 प्लेसेस को इन्होंने जंप किया है यूनिवर्सिटी गाइड रैंकिंग में। ठीक है जी, और ये अब टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में आती हैं एज फार एज स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन इज कंसर्नड, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज इन द होल ऑफ द यूके। स्टूडेंट्स जहां पे जिस यूनिवर्सिटीज में सेटिस्फाइड हैं उन जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज हैं ये यूनिवर्सिटी उसमें फॉल करती है। ठीक है जी, अब हम लोग आ जाते हैं कि जो जनवरी इनटेक में कोर्सेज अवेलेबल है बैचलर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिजनेस रिलेटेड कुछ यहां पे टॉप अप प्रोग्राम्स जो है वो यहां पे अवेलेबल है। टॉपअप जो है बेसिकली एक साल का होता है और उसमें आपको लास्ट ईयर में जो है आपको टॉपअप प्रोग्राम में आपको एंट्री मिला करती है डिपेंडिंग ऑन योर करंट एजुकेशन। तो टॉपअप प्रोग्राम्स हैं बीए इंटरनेशनल बिजनेस के और हॉस्पिटैलिटी के, तो वो यहां पे अवेलेबल है। मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छी खबरें हैं क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा कोर्सेज जो है वहां पे आपको अवेलेबल होंगे। उसमें अगर आप अकाउंटिंग में देखेंगे तो 5-6 किस्म के दूसरे अकाउंटिंग के मास्टर्स हैं, यानी कि एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक फास्ट ट्रैक भी है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रेडिंग है। आर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं, एमए डिजाइन फैशन में है, पैकेजेस में है, डिजाइन में है, ग्राफिक्स, इलस्ट्रेशन, इंटरेक्शन, इंटीरियर, ज्वेलरी, यू नेम इट, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। एमबीए ग्लोबल यहाँ पे अवेलेबल है, एमबीए ग्लोबल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी और बिजनेस का जो एक मिक्स आपको देखने को मिलेगा जो कि आजकल बड़ा पॉपुलर है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा एमएससी बिग डाटा एनालिटिक्स है, एमएससी कंप्यूटिंग है, एमएससी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, अ मिक्सचर ऑफ आईटी एंड द मैनेजमेंट साइड, एमए एनिमेशन है, गेम आर्ट्स है, डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं मास्टर्स में वो यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग में अगर आप लोग देखेंगे तो एमएससी ऑटोमेशन कंट्रोल एंड रोबोटिक्स है, एडवांस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे उसको तो। एमए क्रिएटिव राइटिंग के कोर्सेज यहाँ पे हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन के मास्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपका एमएससी ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है, हेल्थ एंड सोशल केयर के मास्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, डायटेटिक्स एंड प्री रजिस्ट्रेशन के कोर्सेज हैं, एमएससी एनहांस्ड रेडियोथेरेपी यहाँ पे अवेलेबल है, एमएससी नर्सिंग जो कि बड़ा स्टूडेंट्स में खासतौर पर जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं आजकल नर्सिंग की तरफ जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एमएससी नर्सिंग एडल्ट भी है, एमएससी नर्सिंग मेंटल हेल्थ एंड हेल्थ भी है, जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना बैचलर किया हुआ है वो आगे मास्टर्स नर्सिंग में यहाँ पे कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, लॉ के कोर्सेज अगर आप देखेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, पब्लिक हेल्थ के कोर्सेज हैं मास्टर्स में वो यहाँ पे अवेलेबल हैं,
वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है। कहने का मकसद क्या है, वाइड रेंज ऑफ वैरायटी आपको यहां पे मिलेगी एज फार एज जैन 2022 इनटेक इज कंसर्न इन यूके एट द शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी। तो यह कहना बिल्कुल अलग रहता है कि यूके में जैन इनटेक में वैरायटी नहीं मिलती, बहुत वैरायटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो कोर्सेज ऑफर करती हैं जिनमें से एक शेफील्ड हेलम है और इतने ज्यादा कोर्सेज आपको यहीं पे जो है मास्टर्स लेवल में अगर आप देखेंगे तो उन चंद यूनिवर्सिटीज में है जो इतना ऑफर करती है। उसके अलावा अब आप आ जाएंगे आईएलटीएस पे, अब आपने आईएलटीएस करना है या पीटी करना है एज फार एज शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटीज कंसर्न। बैचलर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 6.5.5, मास्टर्स लेवल पे ओवरऑल 6.5 ईच बैंड 6। अगर आपने पीटी करना है बैचलर में ओवरऑल 52 ईच बैंड 51, और अगर आपने मास्टर लेवल पे पीटी करना है तो ओवरऑल 60 एंड ईच 51 आपको रिक्वायर्ड होगा। स्कॉलरशिप्स यहां पे अप टू 3000 पाउंड, 3000 पाउंड तक का स्कॉलरशिप जो है वो इस यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा और यहां पे ऑफर हो रहा है। फीसेस भी इंतहाई आप लोगों की रीजनेबल होंगी, स्कॉलरशिप्स अगर आप लोगों को लग जाते हैं 10-11 हजार का टोटल आप लोगों का बजट होगा एनुअल मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। और जैसे कि आप लोगों को ये पता ही होगा कि यूके में अगर आप देखेंगे तो मास्टर्स जो है वो आपका साल का होता है, तो अगर साल का मास्टर्स है 3000 का स्कॉलरशिप है और आपने इनिशियल डिपॉजिट अगर आपने हाफ भी करा आपने पे करना है दैट इज स्कॉलरशिप 5-6000 पाउंड आपका बनेगा। इंतहाई इकोनॉमिकल है, मास्टर लेवल पे अच्छी ऑप्शन है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन के अवार्ड उसको मिल चुके हैं। यूके का 5th लार्जेस्ट सिटी है, इसका मतलब है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे हैं, पार्ट टाइम जॉब्स और फुल टाइम जॉब्स में आप लोगों को यहां पे कोई इशू नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैन इनटेक में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, तो काइंडली अप्लाई एज सून एज पॉसिबल जो लोग यूके के लिए इंटरेस्टेड है। अभी जैन इनटेक ओपन है, यू स्टिल हैव टाइम, काइंडली अपना प्रोसेस जल्दी स्टार्ट करें। यूके में बहुत रश है एप्लीकेशन का, बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो रही है, उसकी वजह से प्रोसेस आपका लेट ना हो, उसकी वजह से आपका प्रोसेस डिले ना हो, काइंडली स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। आईएलटीएस अगर नहीं किया हुआ, पीटी अभी नहीं किया हुआ, नथिंग टू वरी, आप लोग अप्लाई अपना अभी कर सकते हैं। पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, आपकी सीवी, ये चीजें अगर आपकी रेडी हैं, यू कैन अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूके। ठीक है जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।